हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय। मैं आरती आज आपके साथ एक नए टॉपिक पे बात करने आ रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बुद्धा एंड हिज धम्मा में से भाग वन का फोर्थ चैप्टर, जिसमें सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बाद जो असित ऋषि का आगमन होता है उसका उल्लेख किया गया है। शुद्धोधन और महामाया के विवाह के काफी समय बाद तक उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है। फिर एक दिन जब वैशाख पूर्णिमा के दिन एक नन्हा बालक जन्म लेता है, तब ना केवल शुद्धोधन का परिवार बल्कि पूरा शाक्य राज्य खुशी के कारण जन्मोत्सव मनाता है। बड़ी ही शान बान और ठाट बाट के साथ में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म होता है उस समय शुद्धोधन का राजा बनने की बारी होती है, तो शुद्धोधन उस समय के राजा होते हैं और उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम राजकुमार कहलाया जाता है। सिद्धार्थ के जन्म के समय हिमालय में एक बड़े ऋषि रहा करते थे जिनका नाम असित ऋषि था। वह एक दिन ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और ध्यान में विलीन थे। तब उन्हें सुनाई दिया कि आकाश देवता बुद्ध बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं और काफी प्रसन्न है और इधर उधर झूम रहे हैं। जब असित ऋषि ने ध्यान लगाया तब उन्हें पता चला कि आकाश देवता किसी बुद्ध नामक बालक के जन्म से इतने खुश है। तब असित ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि पूरे जम्बूद्वीप पे डाली और उन्हें पता चला कि कपिलवस्तु में एक शुद्धोधन नामक राजा के घर में एक छोटे बालक ने जन्म लिया है जो आगे जाके बुद्ध प्राप्त करेगा। यह समझते ही असित ऋषि एकदम खुश हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि उस बालक से जाके क्यों ना मैं मिलूं, और वह अपने भांजे नरदत्त को बुलाते हैं और उनके साथ कपिलवस्तु में शुद्धोधन के घर जाते हैं। शुद्धोधन के घर पहुंचते ही शुद्धोधन के घर के बाहर जब वो खड़े रहते हैं तब वह देखते हैं वहाँ पे काफी भीड़ जमा थी, काफी लोग जन्मोत्सव मना रहे थे, काफी लोग खुश थे और वहाँ पे एक अलग ही आनंद का माहौल बना हुआ था। तब असित ऋषि वहाँ के दरवाजे पर खड़े द्वारपाल के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, हे द्वारपाल, अंदर जाकर राजा शुद्धोधन को बताओ कि उनसे मिलने एक ऋषि आए हैं। द्वारपाल अंदर जाता है, वह राजा शुद्धोधन से कहता है कि हे राजन, बाहर एक वृद्ध ऋषि आपसे मिलने आए हैं। शुद्धोधन उन्हें कहते हैं कि उन ऋषि को भीतर ले आओ। द्वारपाल जाता है, वह असित ऋषि को भीतर लेके आता है। तब तक राजा शुद्धोधन उनके बैठने के आसन की तैयारी करते हैं और जैसे ही उनके सामने असित ऋषि आते हैं वह उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और असित ऋषि उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप चीरकाल तक जिए और अपने राज्य पर नैतिकानुसार शासन करें। यह कहते हुए राजा शुद्धोधन उन्हें नीचे बैठने के लिए कहते हैं और असित ऋषि जब बैठते हैं, राजा शुद्धोधन भी बैठते हैं, तब राजा शुद्धोधन उनसे कहते हैं कि मुझे स्मरण नहीं है इसके पूर्व कभी हमारे दर्शन हुए हैं, आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है। तब असित ऋषि कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोलते हैं, ऋषिवर बालक तो भी सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, राजन इस तरह की महान विभूतियां देर तक सोती नहीं है, वह स्वभाव से हमेशा जागृति होती है। और उसी समय सिद्धार्थ बालक अपने जगने का एक संकेत राजा शुद्धोधन को देते हैं। राजा शुद्धोधन को पता चलता है कि सिद्धार्थ बालक उठ चुका है। वह जाते हैं विश्राम कक्ष से अपने बालक को उठाकर लेकर आते हैं और असित ऋषि को देते हैं। असित ऋषि जैसे ही वह बालक को देखता है वह एकदम प्रसन्न हो जाता है। वह कहता है, यह बालक 32 महापुरुष लक्षण तथा 80 अयुंजनों से युक्त है। उसने वह बालक को का शरीर देखकर कहा कि यह बालक का शरीर शुक्र और ब्रह्मा से भी अधिक द्वीप्त है और उनका जो तेजोमंडल है वह लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। यह सुनते ही राजा शुद्धोधन भी काफी खुश होते हैं और असित ऋषि को उनकी भविष्यवाणी याद आती है कि यह बालक अगर गृहस्थ होगा तो चक्रवर्ती नरेश बनेगा, अगर यह बालक ग्रह त्याग करेगा तो सम्यक संबुद्ध बनेगा। यह कहते हुए असित ऋषि शुद्धोधन को यह बात बताते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब राजा शुद्धोधन उनसे कहते हैं कि
ऋषि मुनिवर आप इतना क्यों रो रहे हो, आप इतनी सिसकिया क्यों ले रहे हो, आप इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो। तब असित ऋषि कहते हैं, मैं इस बालक के लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए रो रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी वृद्ध हूँ, मेरा शरीर जंजीर हो चुका है, मैं कुछ ही समय का मेहमान हूँ और यह बालक अवश्य ही आगे जाकर सम्यक संबुद्ध बनेगा, वह लोगों के कल्याण का कार्य करेगा, वह संबुद्धि प्राप्त करेगा, वह धम्मचक प्रवर्तन बनेगा करेगा। यह बालक आगे जाकर जिस भी धम्म की घोषणा करेगा वह धम्म आदि में भी कल्याणकारी होगा, मध्य में भी कल्याणकारी होगा एवं अंत में भी कल्याणकारी ही होगा। वह कहते हैं राजा सुदोधन से, हे राजन, मैं इसी बात पर रो रहा हूँ कि जब यह बालक बुद्धत्व प्राप्त करेगा तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा और मैं उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। वह नरदत्त को पास बुलाकर कहते हैं, हे नरदत्त, तुझे अपने जीवन काल में जब भी यह संदेश मिलता है कि यह बालक ने बुद्धत्व प्राप्त किया है तब जाकर बुद्ध की शरण जरूर ग्रहण करना। यह कहकर उनकी बातें खत्म होती है और राजा शुद्धोधन, असित ऋषि एवं उनके भांजे नरदत्त को भोजन दान देते हैं, उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा करते हैं। और यह सब होने के बाद असित ऋषि एंड में उनसे विदा लेते हैं और अपने आश्रम हिमालय चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ, ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। सो आज के वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि हम जाने असित ऋषि ने सिद्धार्थ बालक के जन्म के बाद क्या भविष्यवाणी की थी। ओके, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमो बुद्धाय।